अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान और पंजाबी कल्चर एंड हेरिटेज एंड पाकिस्तान हेरिटेज क्लब। पाकिस्तान हेरिटेज क्लब की टीम आज पहुंची है सनखतरे तो हुंदी, दरबार साहिब तो हुंदी हुई। अज असी पहुंचे हाँ जसड़। एक वीर जी खुखरैणा दे विचों काफ़ी बार मैं डिमांड कर चुके सन कि बाबा जी तुसी सानू जसड़ लै जाओ, तो मैं उन्होंने कहा मेरी मासी जी का पिंड है, मैं तो जल्द मैं जसड़ लैके जावांगा। कुछ दिन बाद अभी मैं मूवीज़ की मजीद डिटेल आके मैं करांगा कंपोज, क्योंकि टाइम हुण थोड़ा शाम पै रही है। तो मेरी यह वीडियो की ट्रिब्यूट जी है उन्होंने लोगों को है जोड़े लोग इतों छड़ के यह सारा हैरीटेज और अलोप हों हैरीटेज जरा छड़ के उन्होंने पहुँच गए हैं ईस्ट पंजाब के। एक मेरे दोस्त पहुँचे हुए हैं आस्ट्रेलिया, उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स का घर जिहड़ा सी मंदिर दे कोल, हुण इत्थे मंदिर तीनों मंदिर बाजार के अंदर ने, यह तो मैं उन्होंने पहले भी दस्या सी, और हर मंदिर दे कोल घर ने, लेकिन एक एक जगह दे उत्ते माड़ी जिहड़ी है वड्डी है। मे बी हो सकता वह खुखरैणा विचों होए। एनीवे पिछे मंदिर जिहदे चारों पासे ब्रह्मा बणिया होया, हालांकि अगर तुसीं देखो तो वैसट पंजा नॉर्थ वैसट पंजाब या सेंट्रल पंजाब कोई कॉन्सैप्ट ही नहीं है। इत्थे अगर तुहानू ज़्यादा मंदिर मिलते हैं, शिव मंदिर ने, कृष्णा मंदिर ने, फिर उन्होंने तीन गिरवियागिरी ने और उन्होंने अंदर तीन मूर्ति स्थान है। सेम थिंग इज हेयर कि इत्थे भी तीन मूर्ति स्थान है, टोटल जिन्हें भी मंदिर मैं नज़र आए ने एवी। और इस तो बाद मैं नारोवाल जावगा सिटी के अंदर, मेरी कुछ बचपन की याद उस जगह के नाल भी जुड़ी हुई है। उत्थे मेन बाजार दे तीन मंदिर होंदे सन जिन्हां दा एक दा टावर तो बहुत टॉप ते होंदा सी, एक संतां दा डेरा सी और एक खुखरैणा दा सी। लैट्स सी कि किन्ना कुछ बचिया है। 92 बाबरी मस्जिद की शहादत बड़ा कुछ लै गई है, लेकिन हले भी बहुत कुछ बाकी है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 275 की डिटेल्स मैं कलैक्ट कर चुका वा, और मैं प्रोमिस किया कि मैं हैरीटेज को प्रिजर्व करने वास्ते जिते तक जा सकांगा मैं जावांगा। मैं इस्लामाबाद तो निकल के 6.5 घंटे की ड्राइव करके मैं इस जगह के उत्ते पहुँच गया वा, और मैं पहुँचा वा खुखरैणा के मेन कस्बे के अंदर, मेन टाउन के अंदर, जिहदी स्टेबिलिटी का अंदाज़ा तुसी इस बाज़ार तो ला सकते हो कि इस दे आस पास के जिहड़े मैं अपने बजुर्गों को सुनिया घट्टो घट्ट 50 पिंडां दे विच जसड़ वर्गा टाउन जिहड़ा सी ओह कस्बा मौजूद नहीं सी, यानी कि जसड़ नूं उस वेले शहर का दर्जा हासिल सी, और जसड़ दे लोग जिहड़े सन बहुत स्ट्रोंग सन। इन्हां चों कुछ लोग कन्वर्ट हो के जिन्हां नूं ख्वाजे किया गया या शेख किया गया लाहौर, जिहड़े ने क्लॉथ मर्चेंट बैठे हुए ने। ऐसे तरह सनखतरे की संगत जिहड़ी सी ओह कन्वर्ट हुई और ओह कन्वर्ट हो के ओह भी लाहौर शिफ्ट हो गए। पहले ओह ख्वाजे के लाए, फिर उस तों बाद उन्हां नूं लोगों ने शेख किया और कुछ लोग जिहड़े ने शाह के लाए ने। आओ वीर जी, तुसी तुसी बाजार दे विच चलने आ जरा। गल उत्थे आ जांदी है कि पहचानन लगियां, सब तो पहले तुसी थले देखो ते तुहानू विच विच किधरे किधरे तुहानू मुगलई दा टच नज़र आंदा है। फिर यह वाजे जिहड़ा तुहानू जिहड़ी नानकशाही है जिहदी इब्तदा ही इस एरिए तों हुंदी है, और उस तों बाद ब्रिटिश दी दोसेरी। अमेजिंग है, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिदे अंदर तुसी अगर देखो तो तुहानू सेम जगह उत्ते मैं दिखाया कि उहदे ते सैंडस्टोन है, पोरस्टोन है, फिर उस तो बाद मुगलई लगी हुई, मुगलई तो बाद लगी हुई नानकशाही, नानकशाही तो बाद दुसहरी जिहड़ी है वह ब्रिटिश राज की लगी हुई है। किस तरीके ना सिविलाइजेशन जिहड़ियां ने चेंज होंदियां ने, अपना रुख बदलदियां ने, और किवें 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 लोग जिहड़े ने अपनी सिविलाइजेशन तय करते हुए किस तरीके ना कित्थे तो कित्थे पहुँच जाते हैं। यह मेन बाजार है जसड़ का, जिहदे मुतलक मैं जिक्र कर रहा खुखरैणा तो, कि भी खत्तरियां दे सब तो वड्डा जिहड़ा इस वेले टाउन जिहड़ा इस एरिए दे सी नारोवाल तो अगे शकरगढ़ के दरम्यान दे विच अगर देखा जाए तो इस कस्बे का सानी कोई नहीं सी, और इहदे बाजार उही अज जिहड़े उह 6 फीट वाले जिहड़ा कॉन्सैप्ट है अज तक बाकी है उसका, कि भी उही तंग रस्ते उही तंग गलियां। यह घर का आर्कीटेक्चर तुसी देखो तो तुहानू याद दिलाएगा, इहदे विच भी उही सेम है कि तुसी देखो कित्ते ते तुहानू मिलेगी मुगलई ईंट लगी, कित्ते तुहानू नानकशाही मिलती है, और किसी जगह दे विच विच तुसी देखो दर्जा दे विच तुहानू उही दोसेरी जिहड़ी है ब्रिटिश एम्पायर की लगी हुई नज़र आती है। कहते हैं कि गुजर जाता है समय, कोई किसी का इंतजार नहीं करता, हवा चलती है, सब कुछ अपने नाल लै जाती है, मुड़ आता है 47 तो 47 बन जाता पंजाब नूं।
ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਚੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਧ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ।